की इस 7 कोश की परिक्रमा में बच्चों को पैसे रुपए बांटते हुए कैसा झूला है उसका, जो आज तक बहुत बड़े आश्चर्य का विषय बना हुआ है कि उस झूले में से कभी पैसे खत्म नहीं हुए, कभी रुपए खत्म नहीं हुए। एक ऊपर लटकी रहती है झोली, जिसमें से निकालकर वो छोटे बच्चों को पैसे देता है, किसी को 5 रुपए, किसी को 2 रुपए, किसी को 1 रुपए, हाथ भी दिखाता है कभी कभी, लेकिन उनका गुस्सा, उनका नाराज होना क्षणिक होता है। बड़े खुश होते हैं और सबसे कहते हैं राधा रानी की जय बोलो, राधा रानी की जय बोलो। और पूरे 7 कोस की परिक्रमा में ऐसा सदाव्रत उनका चलता है, जो सदाव्रत कभी खत्म नहीं होता। लोग कहते हैं कि हमने साधु को पूरे वर्ष भर रोजाना 365 दिन गिरिराज जी की दौड़ दौड़ के परिक्रमा करता हुआ देखा है, और बच्चे अगर कहीं दूर भी होते हैं तो उनको हाथ से इशारा करके बुला लेते हैं। बच्चे भागते हैं, दौड़ते हैं, बाबा को पकड़ते हैं, लेकिन बाबा दौड़ दौड़ के उन बच्चों को, उन बालकों में ब्रजवासी का स्वरूप देखता है, भगवान कृष्ण का स्वरूप देखता है, छोटी छोटी बालिकाओं में राधा रानी का स्वरूप देखता है, लगातार दौड़ता है। और परिक्रमा में सबको अपने झोले में से पैसे बांटता हुआ, रुपये बांटता हुआ, पूरे 7 कोस की परिक्रमा पर रोजाना बिना थके हुए चलता रहता है। हमने कई बार इस बाबा के बारे में रहस्य जानना चाहा कि आखिर इतना पैसा, इतना रुपया कहाँ से इस बाबा के पास आता है, लेकिन आज तक ये एक अनसुलझी पहेली है कि क्यों ये बच्चों से इतना मोह रखता है। और बच्चे हैं कि मानो इसकी राह ही देखते रहते हैं, कब बाबा आए और कब हमें पैसे दे, कब हमें रुपए दे। बाबा झोले में से निकाल निकाल के 10 रुपया 20 रुपया जो उसके हाथ में आता है सबको बांटता हुआ चलता है, सबको देता हुआ चलता है, बच्चों से विशेष स्नेह रखता हुआ बाबा उस 7 कोस की परिक्रमा में लगातार दौड़ता है, लगातार चलता है, लगातार उस परिक्रमा को दौड़ दौड़ के पूरा करता है। और अगर कहीं रास्ते में कोई बच्चा छूट भी जाता है तो बच्चे, चूंकि रोजाना का उनका क्रम है, इसलिए उस क्रम का पालन करते हुए बच्चे बाबा के पीछे दौड़ते हुए चले जाते हैं। ऐसे ये दुर्लभ संत जो ब्रजवासी